अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है रमीज और आप देख रहे हैं एनीवन कैन डू इट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह हैंड फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादातर हम जो हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं वो या तो कोई म्यूजिक सुनने के लिए होता है या कोई भी कार सुनने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने वाला हूं जिसके जरिए आप इससे काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा एनीवन कैन डू इट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्यूचर्स में भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो हैंड फ्री है वो इंसर्ट करना है मोबाइल में। और यहां से मैं देख सकते हैं कि तस्वीर कैप्चर कर रहा हूं, यहां से मैं इसको प्रेस करता हूं, मेरी तस्वीर जो है वो कैप्चर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपने जो हैंड फ्री है वो इंसर्ट करेंगे मोबाइल में और इसको प्रेस करेंगे तो आपकी तस्वीर जो है वो कैप्चर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि तस्वीर कैप्चर हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये बाज़ दफ़ा आप देख सकते हैं कि कोई भी सेल्फी लेते हैं तो वो तो ठीक होता है, लेकिन अगर आपने दूर से तस्वीर लेनी है तो उसके लिए ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी ट्रिक आ जाती है वो ये है कि आप कोई भी बाल पेन ले लें, कोई भी इस तरह का पेन ले लें, ठीक है, या पेंसिल ले लें और उस पर आप इसको राउंड कर लें अपनी जो हैंड फ्री है, और उसको आप लेटर या मैच बॉक्स की मदद से आप उसको हीट देंगे और उसके बाद जैसे ही फ्रेंड्स आप उसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जो है हमारे पास ये राउंड बनी हुई हमारी हैंड फ्री आ गई और जो काफ़ी शेप में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मली ये होता है कि इसकी जो हैंड फ्री है वो थोड़ी शेप में खूबसूरत लगने लगती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ये गुड लुकिंग में आ गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया है और मेरे पास जो है प्लेयर ओपन हो गया। ये दोबारा इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो प्लेयर है वो ओपन हो जाता है, जो म्यूजिक प्लेयर है। तो इसके लिए आपने नॉर्मली क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ, आपने उस एप्लीकेशन को कर लेना है डाउनलोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्रो डायोड आपकी एक एप्लीकेशन है, इसको आपने डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे चेक का निशान देख सकते हैं, तीन जो डॉट्स हैं इसको आपने अनचेक करना है, ठीक है। अनचेक करने के बाद फ्रेंड्स, जो आपने नेक्स्ट यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडफोन्स इंसर्ट रिमूव, इस पर क्लिक करके फर्स्ट पे आपने हेडफोन जो इंसर्ट है इस पर क्लिक करके फिर एनी पे क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद एक्शन में आने के बाद यहां पे आप नीचे लॉन्च एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं चले आपको एक बता देता हूँ नेक्स्ट ट्रिक जो है। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्च एप्लीकेशन है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है वो एक म्यूज़िक प्लेयर ओपन करता हूँ और इस पर सेकेंड पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो मेरी जो दूसरा म्यूजिक प्लेयर था वो ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप और भी कोई भी ऐसी हो सकती हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।